जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का लोग करते हैं हम शुरू। तो अंजलि लोग याद है, शीशा अंजलि कितनी प्यारी लग रही, क्यूट लग रही है, क्यूट। तो आज जो हमारी बहू रानी है ना, आज वो खाना बनाएगी। क्या बनाने वाली है मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं आज इस पे फिर जुल्म करने वाली हूँ। ऐसा ही है ना अंजलि? हाँ अंजलि कह रही है ऐसे। सैम आ जाओ फटाफट। सैम कितना प्यारा लग रहा है। सैम कटिंग करवा के आता शहजादा लग रहा है। सैम है गोरा, हमारा शहजादा है। मैं ज्यादा गोरी लग रही वैसे। ओहो, ज्यादा गोरी लग रही। तो चलो शीशा जाओ, तो हम खाना बनाने लगे, मिलके खाना बनाते हैं। और नेहा की दवाई भी लेके आनी है। बंद करो, तो जान जो सो रहा है। अब जा रहे हो किशन, और अब हम मिलेंगे आपसे 7 बजे। ठीक है, ओके 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 ओके। ध्यान से जाना, भाई का हाथ पकड़ लो और आराम से चलना, ये नहीं हो भाग भाग तुम जाए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी गाड़ी देखो हमारे पास दरवाजे के सामने खड़ी है, और कितनी अच्छी लग रही है। वहाँ पे हम खड़ी करते थे, लेकिन उधर उन्होंने पाइप रख दिए, वो घर बन रहा है ना, उन्होंने क्या करना। चलो आ जाओ बच्चों, अंदर आ जाओ, दोनों अंदर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पे मैंने अंजलि को चिप्स बना के दिए थे, अंजलि चिप्स काटे थे, तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी, पर लेकर बच्चों ने लेट नहीं दिया। तो ईशा यहाँ पे पालक का पानी निकाल रही है। ईशा पे मैं आज जुलम करने वाली हूँ ना। ईशा इधर देखो, जुलम करने वाली हूँ ना। हाँ ईशा पे जुलम करने वाली हूँ आज मैं, फिर खाना बनवा रही हूँ इससे, इसलिए हाँ फिर रात को जागना ना उसने, इसलिए अभी अगर नहीं जो सोएगा तो फिर रात को कैसे वो करे। हाँ फिर रात का जागा नहीं जाएगा। घूमने लगी, पानी में निकाल के रख लिया। और ईशा यहाँ पे ना वो कर रही है, पालक को पीस रही है मशीन में। हम इसलिए ग्राइंड नहीं करते, ज्यादा ब्रीक हो जाती। लेकिन लाइट नहीं चल रही यार मोबाइल की, पता नहीं क्या हुआ है। अब चली है, हाथ रखते ना फिर चलती है। निशा के यहाँ पे कहती मेरे बचपन का निशान है ना निशा, दे मुझसे बड़ी है, लेकिन मैं देखो उसका नाम ले रही है। क्यों कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कितना बोला बोलती है, पर इतनी बोली है नहीं है इधर। ये क्या खाने लगी हो? सालन में डालने लगी। अच्छा ये मिर्ची पता है हम क्यों डालते हैं? ये थोड़ी खराब है। ये मिर्ची हम पता किसके लिए डालते हैं? जो इनके हस्बैंड है ना उसके लिए। तो यहाँ पे भी मैं आटा गूंद रही हूँ। मैंने बोला चलो मैं भी कुछ कर ही लूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन सो ही रहती हूँ ना ईशा। नहीं नहीं मैं आटा गूंद दूँ। और क्या बोलते हैं, ईशा रेडी हो रही है ना। ईशा कह रही है हम बाहर घूमने जा रहे हैं। मैंने बोला जाओ जाओ, इसका हस्बैंड ने इसको कॉल किया है ना, कह रहे जान छोड़ो। ऐसे नहीं बोलता, बोलता मैं आ रहा हूँ फटाफट रेडी हो जाओ। तो मैं आटा गूंद के तो फिर मैं बनाऊंगी रोटियाँ। तो खाना हमारा बन रहा है, तो आज हम टाइम से ही खाना बना बना के तो सोच रहे हैं कहीं जाएं है ना जी। हाँ ईशा 2 दिन हो गए बाहर नहीं गई है ना ईशा, खास तौर पे आपके साथ। हाँ परसों हम गए थे सभी है ना जी, रात को अपने मियाँ के साथ गई, हमें पूछा भी नहीं। ओहो पूछा नहीं, बाजी जाना के नहीं, बाजी नहीं मेरा नाम लिया कर, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं लेकिन है छोटे उम्र में। ना किसका वेट कर रही हो, बंदड़े का? बंदड़े का। अच्छा बंदे का, अच्छा। तो मैं फोन चार्ज पे लगा लूँ, मैं कर तो ईशा रेडी होने लगी है। ये ईशा का बैग पड़ा, इसके अंदर मेकअप का सामान पकड़ो। हाँ इधर ले आओ ना, मेकअप तो निकालो इसके अंदर से। और ये हम कपड़े अभी कल मैंने मारे, देखो कल मैंने ये वाली सेट की थी अम्मी के, अंजलि के, और ये दोनों मियाँ बीवी के, और नीचे भी वो गर्म कपड़े सर्दियों वाले, और इधर के भी मैंने की है, ये जोया के है। और मेरे कपड़े देखो अभी प्रेस करने वाले हैं, देखो कैसे बिखरे। अभी बस ये अलमारी रह गई कपड़े, तो अभी इसको रेडी करते हैं। तो फिर ये जाने लगे हैं बाहर, क्या खाने जा रहे हो? कि दावत की है किसी ने? हाँ। अच्छा दावत पे जा रहे हैं, मुझे तो बता दो मैंने कौन सा आपको रोक लेना है। नहीं वैसे ही जा रहे, वैसे जा रहे सही। तो भी मैं ये करके क्या बोलते हैं इसको रेडी करके तो फिर मैं बनाऊंगी खाना और रोटियाँ। रोटियाँ बना के चलो जी, हम फ्री हो गए है ना, फिर जान उठेगा, फिर मैं अंजलि की उसकी जो है नेहा की दवाई लेने जाना है।
तो ये इसका मेकअप है। ईशा कौन है? तो मेरे दोस्त है, इतनी प्यारी। ये कहती मेरे दोस्त का कंपनी है, तो उसने ये बनाई है। क्या नाम है उसका? सोनिया। कहती सोनिया, वो आगे से कौन सा वो है, कितनी प्यारी है ना। लेकिन उन्होंने देखो कैमरे का कमाल। मैंने बोला भूख लगी है और क्या, मुझे भूख लगी क्योंकि तो प्यार को भी आपको पता अच्छे से नहीं खाना खा पाई, बस जूस ही पिया था। तब ये आटा जो है ना निकालते हैं इसको, ये सुबह ईशा ने आटा गूंदा था, है ना ईशा? किसने गूंदा? उच्ची बोलो ईशा, पता आजकल बहुत कम बोलती है, है ना? क्यों कम बोलती हो तुम? वैसे कम बोलती है। ईशा ने माशाल्लाह माशाल्लाह आज बनाई है आलू पालक के, ये खाए और ये हो जाए। चलो सादा तो टेस्ट कराओ अपना, ईशा ने बनाया सादा, अभी ये खाएंगे तो फिर बताएंगे कैसा बना टेस्ट करके। ईशा क्या कहती है? ईशा ने तवा रख दिया, ईशा ने सुबह पराठे बनाए थे शिकोर है, है ना? अभी तो नहीं आए वो, जान के जो कपड़े वो प्रेस करा दिए, अभी इनको हैंग करना है। देखो सारे ये शर्ट नहीं करके गई, इसको क्यों हुआ, इसको नहीं प्रेस किया। और ये देखो उन्होंने ये क्या कर दिया, इसके ब्लैक के ऊपर इस्त्री मारी है तो पूरी शर्ट खराब कर दी है। देखो क्या बाहर पड़ा हम देना, मैं बोला मेरे बच्चे आ गए थे कल, नहीं अभी तक कोई भी नहीं आया, तो ये कपड़े सारे मैं अभी हैंग करती हूँ, पहले रोटी के बना लूँ। ईशा कह रही मुझे भूख लगी है ना, भूख मुझे खुद बहुत लगी है, टैट वाले लगी है ना खाना, इसलिए हमने जल्दी बना लिया आज। हम ये बना रहे हैं रोटियाँ, ठीक है बिच्छू ने रोटियाँ बनाई हैं, देखो क्या मैं वीडियो में क्या कह रहे थे, कि ये रात को जागता है दिन को सोता है। हाँ सही बोल रहे हैं ना। हाँ तो रात को आप मुझसे काम करवाते हो तो जागूंगा ना। मैं तो खुद सो जाती हूँ अपने बच्चों को लेके, मुझे नहीं पता आप कब सोते हैं, आपकी कोई रूटीन नहीं है ना सोने की ना जागने की। देखो रोटी के लिए इसके बाद मेरे बच्चे को कौन जागता है रात को ज्यादा, सचमुच? हाँ पापा जागता है, शाम जागता है। हाँ सुबह सुबह उठता नहीं है, ये सोते हैं और क्या बोलते हैं, ये सोया रहता है दिन को, मुझे वो सोया रहता है रात को ज्यादा, क्या करते हैं हमें नहीं पता। क्या करते हैं, काम करते हैं और क्या करना है, हैं? रात को क्यों? रात को कौन सा काम, रात को काम करना पड़ता है ना, अगर रात को काम नहीं करते अकेले तो फिर काम बंदा क्या करता है, अकेले अकेले नहीं आपके साथ ही काम करते हैं। मैं तो सो ही होती हूँ, मैं तो सो जाती हूँ और मैं सोते भी पता काम है, ये बेड पे सोता हूँ और मैं ओ एक दो दिन हो गए। मम्मा ना पापा इस तरफ सोता, मम्मा इस तरफ सोती है, कभी ऐसा हो जाता है नहीं रोती है तो मम्मा नहीं आके पास ही सो जाती है। हाँ तो बस व्लॉग आज का यहीं तक था, अभी मैं बिट्टी को बोल रहा हूँ फटाफट रोटियां बना लो, सूप पीने चलो, है डाल लो नमक भी कम हो मिर्ची तेज है हल्की सी। हाँ हल्की सी यार, ये आज ईशा ने खाना बनाया, मैंने सोचा आज ईशा पे फिर जुलम कर दे। बस क्या बोले यार, ईशा बोलती है मैं बहुत जितने मुंह उतनी बातें। हाँ ईशा बोलती है मैं बहुत। तो चलिए जी मिलते हैं हम आपसे अगले व्लॉग में, अब हम जाएंगे सूप पीने, ये कहीं और जा रहे हैं। हाँ। कल हमने जाना है, कल का व्लॉग बहुत मजे का होगा, कल मैं सोच रहा हूँ हम जाएं कमाड़ी, वहाँ पे फिशिंग करें। हाँ, फिश का शिकार करें और शाम को आते हुए झींगा खाएं, मेरा झींगा खाने का बड़ा दिल कर रहा है। सर्दी आ गई है ना। हाँ झींगा मछली मैं भी चलूंगी कल, क्योंकि कल मेरे छोटे स्कूल से आके चलेंगे। स्कूल से जाने से पहले ही चल जाने हमने, है ना बेटी? हमने 11-12 बजे निकल जाना है। इनको कौन लेके आएगा? ये खुद ही आ जाएगी अंजलि वहाँ से रक्षा करा के। तो पैसे खर्च, फिर पैसे देना ना, पैसे देना ना। तो चलें जी, छोटा सा ब्लॉग का चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, खूब सारा प्यार देना, दुआ में हमें याद रखना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।